सो फाइनली गाइस, मोटो की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ मोटो G32 एंड अभी लॉन्च हो गया है मोटो G62। इसलिए मैंने सोचा इसका कंपेयर किया जाए रियलमी 9 के साथ, क्योंकि मेरे पास भी और कंटेंट नहीं था एंड आप भी कंपेयर वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए दोनों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। हाँ, डिज़ाइन के मामले में मुझे रियलमी 9 कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएँ। वहीं बात की जाए दोनों के स्पेक्स के बारे में, तो मोटो G62 G65 में आपको एंड्रॉयड बीडल का सपोर्ट। वेट की बात की जाए तो इसमें आपको 184 ग्राम का वजन। थिकनेस की बात की जाए तो 8.4 mm के साथ इसमें आपको थिकनेस देखने को मिल रही है। मतलब ये फ़ोन लाइट वेट एंड काफ़ी ज़्यादा हल्का एंड काफ़ी पतला होने वाला है। मतलब स्पेक्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ बात की जाए रियलमी 9 4G के बारे में, तो इसमें आपको एंड्रॉयड बीडल का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वेट की बात की जाए तो इसमें आपको 178 ग्राम का वजन एंड थिकनेस की बात की जाए तो 7.9 mm की इसमें आपको थिकनेस देखने को मिल रही है। मतलब ये फ़ोन मोटो G62 से भी पतला एंड हल्का होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों फ़ोन यहाँ पर बजट किंग फ़ोन स्मार्टफोन है, जिसमें आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात की जाए मोटो G62 में आपको, तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें आपको ये नॉर्मल सी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। इसमें आपको 800 नेट्स तक की शायद पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है एंड 120 तक का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि आपके गेमिंग के मामलों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोनों फ़ोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं रियलमी 9 की बात की जाए तो इसमें आपको 6.4 इंच की एक AMOLED पैनल देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 1000 nits की पीक ब्राइटनेस, 90Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि थोड़ा सा कम है, एंड HDR10+ का सपोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर रियलमी 9 विनर रहता है एंड रिफ्रेश रेट के मामले में यहाँ पर मोटो G62 विनर रहता है। ऐसे ओवरऑल बात कही जाए तो यहाँ पर रियलमी 9 बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिस प्रकार का प्रोसेसर है उस प्रकार का इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी दिया जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ बात की है दोनों फ़ोन के प्रोसेसर एंड परफॉर्मिंग के बारे में, तो दोनों फ़ोन यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस पर नॉर्मल गेमिंग कराएंगे, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि मोटो G62 में देखने को मिल रहा है। एंड इसी के ग्राफिक्स कार्ड की बात की जाए तो उसमें आपको एंड्रॉइड 619 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ओल्ड जनरेशन वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड हाँ, इसमें आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल रहा है, जो कि आपको गेमिंग के हम लोगों को स्मूथ एंड मल्टीटास्किंग को आराम से हैंडल कर सकेगा। एंड इसी के साथ साथ बात की है रियलमी 9 4G के बारे में, तो उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एंड्रॉइड ग्राफिक्स कार्ड की बात की जाए तो उसमें आपको एंड्रॉइड 610 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है। वहीं रैम टाइप की बात की जाए तो उसमें भी आपको सेम रैम टाइप, जो कि LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल रहा है। एंड प्रोसेसर के मामले यहाँ पर मोटो G62 विनर रहता है। एंड इसके साथ साथ बात की जाए दोनों फ़ोन के कैमरा के बारे में, तो मोटो G62 में आपको 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सपोर्ट देखने को मिल रही है। एंड इसमें आपको 8 MP का वाइड एंगल में 2 MP का इसमें आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको 16 MP का देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो हो रही है 30 से 60 FPS तक, जो कि हो रही है 2K सपोर्ट तक। वहीं 4K की बात की जाए तो ये फ़ोन 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड करता है। वहीं बात की जाए रियलमी 9 के बारे में, तो ये कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको 108 MP का, मतलब 108 MP का मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करने वाला है। वहीं 8 MP इसमें आपको वाइड एंगल भी, 2 MP का केबल इसमें आपको माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 16 MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा। वहीं बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करता है 2K 30 FPS तक, वहीं शायद 4K 30 FPS तक ये फ़ोन भी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड करता है। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए बैक कैमरा से, नहीं ओवरऑल कैमरा किसका अच्छा है, तो कैमरा यहाँ पर रियलमी 9 4G ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, फिर फ्रंट कैमरा दोनों का सेम ही है। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए दोनों फ़ोन की बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर मोटो G62 बैटरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। हाँ, बैटरी तो इसमें आपको अच्छी 5000 mAh की देखने को मिल रही है, बट इसमें आपको सिर्फ 20W का चार्जर देख रहे हैं, तो मेरा दिल तोड़ लिया। हाँ, सिर्फ 20W का चार्जर दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि 0 से 100% बैटरी को चार्ज कर पाएगा कम से कम 80 से 90 मिनट में, यानी कि ये 2 घंटे के आसपास पूरी बैटरी को चार्ज कर पाएगा। वहीं रियलमी 9 की बात की जाए तो इसमें आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 33W का चार्ज देखने को मिल रहा है, जो कि 0 से 100% बैटरी को चार्ज करता है 60 मिनट में, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ रियलमी 9 SE 5G को, जिसमें सेम बैटरी सेम चार्जर देखने को मिलता है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंटल पता है कि इतनी देर में चार्ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रियलमी 9 विनर रहता है। एंड इसके साथ साथ बात की जाए
इसके साइड स्पेस के बारे में, बट उससे पहले रुकावट के लिए खेद है, मैंने अपनी बाइटी स्टूडियो में चेक करके देखा तो वहाँ मुझे पता लगा 98% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए अपने भाई को सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि तुम्हारे भाई को एक साल से ज़्यादा हो गया वीडियो बनाते हुए, कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। बात की दोनों के साइड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो मोटो जी लोगों को नेट कनेक्टिव 5G देखने को मिल रही है, जो कि 12 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं। एंड हाँ, मोटो जी स्टूडियो में वो साइड स्पेसिफिकेशन मतलब साइड माउंटेन, रियलमी 9 में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड इसके साथ साथ बात किया दोनों के प्राइस एंड माई ओपिनियन के बारे में, तो मोटो जी 62 में आपको जो 628 वाला वेरियंट देखने को मिल रहा है, जिसके प्राइस अभी 17,999, हाँ ये 17,000 के प्राइस रेट में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं ये सेल के दौरान आपको मिल जाएगा 16,000 के प्राइस रेट में। भाई रियलमी 9 4G की बात की जाए तो इसमें आपको 628 वाला वेरियंट है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 16,750 का। बट जब इस पे सेल फ्लिपकार्ट पे चलती है तो ये फ़ोन हो जाता है सिर्फ 15,999 या 14,999 के आसपास, जो कि आप फ्लिपकार्ट पे सेल के दौरान देख सकते हैं। एंड यहाँ पर बात की जाए कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो एंड आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए इस प्राइस रेट पे, तो आपको रियलमी 9 परचेज करना चाहिए। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।